मास्क की कीमत 5 रुपया 10 रुपया हो सकती है, पर जीवन अनमोल होता है। और सभी परिवार के मुखियाओं से और सभी बहन बेटियों से, देश भर के नौजवानों से मेरी एक अपील है कि मास्क खरीदें और मास्क का प्रयोग अवश्य करें। भीड़ भाड़ वाले शहरों में, बाजार मार्केट में अगर जाएं तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन अवश्य करें। जी हाँ दोस्तों, मैं आस मोहम्मद शाह और आप देख रहे हैं दैनिक अर्धा टाइम्स। खबर है कानपुर से। पुलिस द्वारा अपने देश की शान, भारतीय सेना के रिटायर्ड व वर्तमान सैनिक जो छुट्टी पर आते हैं, उनके साथ आए दिन अपराधियों जैसा बर्ताव कर उनके साथ मारपीट, फर्जी धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर उनको या तो जेल भेजना या जेल भेजने की धमकी देना, जिससे सिर्फ घटना के शिकार जवानों का ही मनोबल नहीं बल्कि पूरे देश की सेना का मनोबल गिरता है, जिसको ऑपरेशन विजय बुराइयों के खिलाफ जंग ने बहुत ही गंभीरता से लेते हुए उस पर हमने भारत के रक्षा मंत्री माननीय श्री राजनाथ सिंह जी व तीनों सेनाओं के प्रमुख जी को एक पत्र भेजा और हमने उसमें लिखा कि पुलिस द्वारा जो सैनिकों के साथ व भूतपूर्व सैनिकों के साथ आए दिन जो घटनाएं की जाती हैं, वह बहुत ही चिंता का विषय है और अगर इनको तत्काल नहीं रोका जाता तो हमारी देश की सेना का मनोबल लगातार गिरता रहेगा, जो किसी भी दृष्टि से देश व समाज हित में नहीं है। आज मुझे खुशी है कि हमारे पत्र पर रक्षा मंत्रालय ने संज्ञान लिया और उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव सहित देश के सभी संबंधित लोगों को पत्र भेजकर कहा कि ऑपरेशन विजय के इस पत्र पर जो वास्तविक सेना के जवानों का मनोबल गिराने वाला कार्य पुलिस द्वारा किया जा रहा है, उस पर सख्त कदम उठाएं और सरकारों द्वारा उठाए गए कदम की जानकारी ऑपरेशन विजय के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवमंगल सिंह को दें व रक्षा मंत्रालय को भी दें। आज हमें बड़ी खुशी हो रही है कि ऑपरेशन विजय जो एक गैर राजनीतिक अभियान है, जो देश व समाज से सभी सामाजिक बुराइयों को जड़ से मिटाने की दिशा में कार्य कर रहा है, उसके ऊपर रक्षा मंत्रालय ने एक्शन लिया और मुझे लगता है कि जब तक पुलिस की सैनिकों व भूतपूर्व सैनिकों के साथ की जा रही बर्बरता व उनके मनोबल को गिराने वाले किए जा रहे कार्य नहीं रुकते हैं, तब तक ऑपरेशन विजय किसी भी कीमत पर रुकेगा नहीं। और अगर आवश्यकता हुई तो हम पुलिस के इस अत्याचारपूर्ण रवैये के खिलाफ देशव्यापी आंदोलन भी करेंगे। दैनिक अर्धा टाइम्स में आज के लिए इतना ही दोस्तों, बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए दैनिक अर्धा टाइम्स न्यूज़।